देखिए, मैंने पीछे भी सीएम साहब से इस पर डिस्कशन करी थी, अगर हम एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंशिएशन देखें तो सिर्फ 4% का है, 10% आज जमा करते हैं वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम एनपीएस में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे दें जो ओपीएस में आ रहा था, तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड है और हमें स्कीम को बदलने की ज़रूरत थी। और हम तो केंद्र को भी ये ज़रूर कहेंगे कि केंद्र भी विचार करे कि इसको 10 से 14% वो भी करे, जिसमें एम्प्लॉय शेयर भी बढ़ जाए, स्टेट शेयर भी बढ़ जाए। देखिए, मैंने पीछे भी सीएम साहब से इस पर डिस्कशन करी थी, अगर हम एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंशिएशन देखें तो सिर्फ 4% का है, 10% आज जमा करते हैं वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम एनपीएस में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे दें जो ओपीएस में आ रहा था, तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड है और हमें स्कीम को बदलने की ज़रूरत थी। और हम तो केंद्र को भी ये ज़रूर कहेंगे कि केंद्र भी विचार करे कि इसको 10 से 14% वो भी करे, जिसमें एम्प्लॉय शेयर भी बढ़ जाए, स्टेट शेयर भी बढ़ जाए। देखिए, मैंने पीछे भी सीएम साहब से इस पर डिस्कशन करी थी, अगर हम एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंशिएशन देखें तो सिर्फ 4% का है, 10% आज जमा करते हैं वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम एनपीएस में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे दें जो ओपीएस में आ रहा था, तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड है और हमें स्कीम को बदलने की ज़रूरत थी। और हम तो केंद्र को भी ये ज़रूर कहेंगे कि केंद्र भी विचार करे कि इसको 10 से 14% वो भी करे, जिसमें एम्प्लॉय शेयर भी बढ़ जाए, स्टेट शेयर भी बढ़ जाए। ई-टेंडरिंग को लेकर लगातार विरोध हो रहा है।